नमस्कार मित्रों, मैं आरपी शुक्ल चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं अलंकार। अलंकार आपके टीजीटी में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहां से हमेशा एक दो प्रश्न तीन प्रश्न कभी कभी चार भी आने की उम्मीद रहती है, लेकिन कम से कम दो प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे, बिल्कुल श्योर है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अलंकार ये हमारे काव्य शास्त्र का भी विषय है और हमारे यहाँ ये अलंकार जो है ये सामान्य हिंदी के अंतर्गत भी, व्याकरण के अंतर्गत भी आता है। अब हमको यहाँ जो अध्ययन करना है ये हम काव्य शास्त्र का भी पार्ट भी लेके चलेंगे अलंकार का, और यहाँ पर जो हमारे यहाँ सामान्य हिंदी के अंतर्गत आता है, जो व्याकरण के अंतर्गत आता है वहां से भी, क्योंकि अलंकार आप पढ़ रहे हैं तो अलंकार में दोनों चीजें पूछी जाती है। कभी कभी सिद्धांत की पार्ट पूछे जाते हैं और कभी कभी व्याकरण के पार्ट आपसे पूछे जाते हैं। अब सिद्धांत से अगर हम बात करें कि अलंकार क्या होता है, तो हम बात करते हैं अलंकार है, अलंकार दो शब्दों, एक होता है अलम और दूसरा होता है कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार होता है बढ़ाने वाला। काव्य का वह तत्व, काव्य के वह साधन, काव्य के वह धर्म जिसके माध्यम से काव्य में सुंदरता आती है, वह अलंकार कहलाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, अलंकार क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार कहते हैं। अब देखिए मित्रों, अलंकार से हमारे यहाँ सबसे पहला प्रश्न बनता है कि अलंकार शुरुआत किसने की। अलंकार की व्यवस्थित परिभाषा दिया भामा ने। अब ध्यान दीजिएगा कि भामा ने, अब हम पहले सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत में सबसे पहला चरण आता है कि हम कुछ रचनाओं का नाम ले लें कि किन रचनाओं के आधार पर हम अलंकार का अध्ययन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आचार्य आप कहते हैं भामा। भामा ने पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था, काव्यालंकार, काव्य के अलंकार। इसका नाम क्या हुआ, काव्यालंकार, मतलब काव्य का अलंकार या काव्य में अलंकार। या यहां इसको भामा ने लिखा, इसलिए दूसरा नाम क्या हो गया, भामहा अलंकार के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब क्या किया कि आचार्य वामन, दूसरे कवि हमारे सामने आते हैं आचार्य, कि उन्होंने लिखा कि काव्यालंकार सूत्र। तो भामा ने जो काव्यालंकार लिखा था, काव्यालंकार पर उन्होंने सूत्र लिखा। सूत्र मतलब उसका भाष्य टाइप में कुछ स्पेशल चीजें उन्होंने लिखा कि कैसे काव्यालंकार को समझा जाए। तो अच्छा, उसके बाद रुद्रट आते हैं। रुद्रट ने काव्यालंकार पर सूत्र वृत्ति नाम से एक टीका लिखी और इसका नाम क्या रखा गया, इसे काव्यालंकार भी के नाम से जानते हैं, लेकिन काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, काव्यालंकार पर एक सूत्र ग्रंथ लिखा किसने, रुद्रट ने लिखा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, काव्यालंकार रुद्रट से भी भामा, लेकिन भामा जो होंगे तब तो ये काव्यालंकार भामा का होगा। यदि भामा विकल्प में नहीं है तो आप लगा सकते हैं रुद्रट को। ध्यान दीजिए, अगले आते हैं आपके लेखक यहां पर उद्भट। उद्भट ने क्या लिखा कि काव्यालंकार सार संग्रह। इन्होंने क्या किया कि काभामा वामन रुद्र सबके जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को लेकर उन्होंने एक सार ग्रंथ लिखा, यानी सबका समग्र अध्ययन इन्होंने रुद्रट ने काव्यालंकार सार संग्रह में किया। अगले करण में चरण में आते हैं हमारे पास शोभाकर मित्र। शोभाकर मित्र क्या करते हैं, अलंकार रत्नाकर नाम से ग्रंथ लिखते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं विद्याधर। विद्याधर ने क्या किया कि एकावली नाम से एक ग्रंथ लिखा। कौन सा नाम, एकावली। लेकिन दूसरे कवि हमारे पास विद्यानाथ आते हैं, और ध्यान रखिएगा मित्रों, विद्यानाथ पूछा जाए चाहे विद्याधर पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा विद्याधर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, एकावली, और विद्यानाथ अगर पूछा जाएगा तो प्रताप रुद्र यशो भूषण के नाम से उन्होंने यह ग्रंथ लिखा था। किस पर ग्रंथ है तो आप बताएंगे, अलंकार, क्योंकि भूषण लगा हुआ, भूषण मतलब होता है अलंकार के अर्थ में ही। अच्छा, एक महान कवि हम आचार्य आते हैं, ये दंडी। दंडी ने क्या लिखा कि काव्यादर्श के नाम से उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। किसने, दंडी ने। यह खूब पूछा जाने वाला प्रश्न है, या तो भामा सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं या तो दंडी का काव्यादर्श भी पूछा जाता है। अच्छा, अगले चरण में आते हैं लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन ने लिखा अलंकार मंजूसा।
लाला भगवान दी ने क्या लिखा, अलंकार मंजूषा। अब अलंकार मंजूषा जो है ये पूछा जाता है कि किस प्रकार का ग्रंथ है, तो आप बताएंगे यह अलंकार परक ग्रंथ है कि इसमें किसका वर्णन किया गया, अलंकार का। वो कभी कभी यह पूछ लिया जाता है यह रचना किसी है, तो आप बताएंगे लाला भगवान दीन की रचना है। अगले हैं सेठ कन्हैया लाल पोद्दार। कन्हैया लाल पोद्दार ने क्या लिखा, काव्य कल्प द्रुम। सेठ कन्हैया लाल पोद्दार ने क्या लिखा, काव्य कल्प द्रुम। अगले आते हैं रमा शंकर शुक्ल रसाल। रमा शंकर शुक्ल रसाल ने क्या लिखा, अलंकार पीयूष। अब ध्यान दीजिए मित्रों, यहाँ पर लगभग 8-10 लोगों के नाम दिए गए हैं, ये जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं ग्रंथों का नाम, और कभी कभी किस विषय पर ग्रंथ लिखे गए पूछा जाएगा कि अलंकार परक ग्रंथ होगा या इस ग्रंथ का विषय होगा, तो आप बताएंगे अलंकार। और कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि किसकी रचना है, तो आप वो भी बता सकते हैं। अब देखिए अलंकार के बारे में अब हम चलते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है, अलंकार की शुरुआत कब से हुई, अलंकार किसने क्या क्या माना, सबकी हमें परिभाषाओं को देखना है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए कि अलंकार के प्रवर्तक कौन है, तो अलंकार के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं, भामह को माना जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, अलंकार के प्रवर्तक आचार्य कौन है, भामह। और इन्होंने अलंकार की परिभाषा स्त्री के सौंदर्य से दी। भामह तो आचार्य हैं, ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अलंकार की प्रतिष्ठा की, अलंकार के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने अलंकार की जो परिभाषा दिया वह स्त्री की सुंदरता से दिया। इन्होंने कहा कि ना कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। ना कांतामपि निर्भूषम, यदि किसी स्त्री के पास आभूषण नहीं है तो वह क्या हो जाती है, उसमें सौंदर्य नहीं होता है। तो जिस प्रकार से किसी स्त्री के पास यदि आभूषण नहीं है तो आभूषण ना होने के कारण उसके सौंदर्य क्षीण हो जाते हैं, उसमें सुंदरता नहीं आती है, उसी प्रकार से यदि किसी कविता में सौंदर्य नहीं है और अलंकार नहीं है तो उस कविता में विशेषता नहीं आ पाती है। ये हमारे आचार्य कौन से हैं, भामह ने एक ऐसा सिद्धांत लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब देखिए भामह और आगे आते हैं। भामह ने कहा कि वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बताते हुए उसे अलंकार का एक आश्रय माना। और भामह ये कहते हैं कि वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बताते हुए अलंकार का एक आश्रय माना। उन्होंने कहा कि अलंकार क्या है, अलंकार में उन्होंने एक वक्रोक्ति शब्द की कल्पना की। वक्रोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है वक्र और दूसरा होता है उक्ति। वक्र मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कथन, यानी कहा कुछ और जाए और उसका अर्थ कुछ और निकाला जाए, जिसे हम साधारण भाषा में व्यंगात्मक भाषा के रूप में हम कह सकते हैं। तो इसे उन्होंने कहा कि जो अलंकार है वह वक्रोक्ति को संपूर्ण, वह वक्रोक्ति यानी जो विशेषता हमने अभी बताया है कि कहा कुछ और जाए और तो कुछ और निकाला जाए, वह किसमें है, सभी अलंकारों में व्याप्त होते हुए भी उसे अलंकार का एक आश्रय माना। आश्रय और विषय ये होते हैं रस के माध्यम। विषय वह होता है जिसके प्रति रस होता है, आश्रय वह होता है जिसके मन में भाव जागता है। तो ध्यान रखिएगा सभी अलंकारों में वक्रोक्ति को उन्होंने क्या बताया कि वक्रता जो होती है, चारुता होती है, विशेषता होती है, वह सभी अलंकारों में व्याप्त होती है। और भामह ने कहा कि अलंकार से तात्पर्य ऐसी शब्दोक्ति से है जो वक्रार्थ की विधायक हो। अलंकार, उन्होंने कहा कि अलंकार ऐसी शब्द से मतलब होता है कि जिस अलंकार में शब्दोक्ति, शब्द धन उक्ति बराबर शब्दोक्ति, ऐसा शब्द का कथन कहा जाए जो वक्रार्थ की विधायक हो, जो वक्रता को प्रकट करने वाला हो, कुछ विशेषता लाने वाला हो, उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार के नाम से हम उसे जानते हैं। अब ध्यान दीजिए मित्रों, अब यहां पर भामह के काव्यालंकार पर आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति नाम से टीका लिखा। ध्यान दीजिए मित्रों कि भामह ने क्या लिखा, काव्यालंकार,
और भामा की काव्यालंकार पर वामन ने क्या लिखा, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। अब मैं अगर इसकी चर्चा पहले ना किया होता तो शायद आप यह ना बता पाते कि काव्यालंकार सूत्र वृत्ति क्या है, ये किस पर लिखा है। तो वामन ने क्या लिखा, भामा के काव्यालंकार पर वामन ने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति नाम से एक टीका लिखी। टीका मतलब होता है उसके बारे में थोड़ा सरल करके उसका विस्तार कर दिया जाए, ये होती है टीका। अच्छा, उन्होंने क्या कहा कि अलंकृति है अलंकार, जो सौंदर्य करे वह अलंकार होता है। वामन ने कहा कि जिसके माध्यम से काव्य में सुंदरता आवे वह क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। अलंकरोति इति अलंकारः, अलंग जो सौंदर्य दिलाए वह अलंकार होता है। काव्य में जिसके माध्यम से सौंदर्य बढ़े वह क्या कहलाएगा, अलंकार कहलाएगा। अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, जिसमें सौंदर्य की प्राप्ति हो उसे अलंकार कहते हैं। काव्य का वह धर्म वह तत्व जिसके माध्यम से सौंदर्य की प्राप्ति प्राप्त हो उसे हम क्या बोलते हैं, अलंकार के नाम से उसे हम जानते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, अगली परिभाषा उन्होंने कहा कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सौंदर्यम अलंकारः, अर्थात काव्य का विषय ग्राह्य विषय अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, अर्थात काव्य का विषय ग्राह्य, काव्य का जो ग्राह्य विषय होगा, ग्रहण करने वाला विषय होगा, वह क्या होता है, अलंकार होता है। यानी किसी भी कविता में जो ग्रहण करने वाली विषय वस्तु होती है, जो ग्रहण करने वाला साधन के विषय होती है, वह क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। जो किसी कविता में क्या करता है, सौंदर्य दिलाता है। यानी कुल मिला के जितनी परिभाषाएं दी गई सबका एक ही मतलब यहां निकल रहा है कि जिस तत्व के माध्यम से, जिस धर्म के माध्यम से काव्य में सौंदर्य आए, विशेषता आए, उसे हम अलंकार कहते हैं। अब देखिए, वामन ने क्या किया, गुण और रीति दो संप्रदाय की स्थापना की। वामन ने किसकी, गुण और रीति संप्रदाय की स्थापना की, और उन्होंने अलंकार की परिभाषा जो दिया वह गुण के आधार पर दिया। क्या किया वामन ने, गुण रीति और गुण की स्थापना किया, लेकिन उन्होंने जो परिभाषा गुण की दिया अलंकार की वह किसके आधार पर दिया, गुण के। काव्य शोभा याह कर तारो धर्मा गुणा, काव्य के शोभा कराने वाले धर्म क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। अर्थात जिसके माध्यम से काव्य में सुंदरता आती है वह क्या कहलाता है, अलंकार। ये आपका जो है गुण जो है, ये ध्यान दीजिएगा मित्रों, वामन ने क्या किया, रीति और गुण की स्थापना किया, लेकिन गुण का की परिभाषा दिया अलंकार, और अलंकार की परिभाषा गुण के तय के दे दिया। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य की शोभा कराने वाले धर्म यहां पर क्या हो गए, गुण। और सभी लोगों ने क्या कहा था, अलंकार। अलंकार और गुण दोनों क्या हो गए। अब दंडी ने क्या किया कि दंडी ने काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहा। अब हमारे काव्य शोभाया, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, दंडी की परिभाषा को पूछी जाती है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह किसकी परिभाषा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दंडी। अच्छा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या बोलते हैं, अलंकार कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां पर अभी तक जितने कवियों ने, जितने आचार्यों ने, जितने महानुभावों ने अपनी अपनी परिभाषा दिया, सबकी परिभाषा हमारी में लगभग एक ही तरीके से लगती है। सब लोगों ने एक ही प्रकार की परिभाषा देने का प्रयास किया, क्योंकि उनका सिद्धांत था कि एक ही बात उनके सामने प्रस्तुत थी कि कविता जिसके माध्यम से सुंदरता आए उसे हम अलंकार कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों, जो आज के समय में कोई अलंकार नहीं मिलता है, क्या उस कविता में कुछ विशेषता नहीं आती है, आज की कविता में भी आती है, लेकिन उस समय का प्रसंग जो था, उस समय आज की जैसी कविता नहीं होती थी, उस समय अलंकार की उपयोगिता होती थी, और अलंकार पर ही लोगों ने न जाने कितनी पुस्तकें लिख डाले। अब ध्यान देना है कि आप अगले कवि हमारे महानुभाव आते हैं, जिनका नाम है जयदेव। जयदेव ने कहा कि अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार से है जिस प्रकार से उष्णता के बिना अग्नि। तो जयदेव क्या कहते हैं कि यदि
उन्होंने अलंकार की परिभाषा थोड़ा और बढ़ाने का प्रयास किया और उसमें चारुता लाने का प्रयास किया कि अलंकार के बिना कोई कविता किस प्रकार से, जैसे उष्णता के बिना अग्नि, जिस प्रकार से अग्नि तो हो लेकिन उसमें उष्मा यानी गर्मी ना हो, तो उस प्रकार जिस प्रकार से अग्नि का कोई महत्व तो नहीं होता है, अगर किसी अग्नि की विशेषता क्या उसमें गर्मी, और अग्नि में से गर्मी हटा दिया जाए तो अग्नि का क्या मतलब रह जाएगा। उसी प्रकार से किसी कविता में अगर अलंकार को हटा दिया जाए तो मान लीजिए पूरी कविता का अर्थ क्या हो जाता, विध्वंस हो जाता है। ये पहले के आचार्यों की मान्यताएं थी और इसी बात को लेकर सभी आशो न मन्यते कस्मादनश्रो मनलंकृते, अर्थात अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार से है जैसे उष्णता के बिना अग्नि, जिस प्रकार से किसी अग्नि से अगर गर्मी हटा दी जाए तो उस अग्नि का कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसी प्रकार से यदि किसी कविता में से अगर हम निकाल दे अलंकार को तो उस कविता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो ध्यान रखिए मित्रों, हम सब लोग इन व्याकरण में अभी पढ़ रहे हैं, व्याकरण के अंतर्गत यहाँ अलंकार को, अलंकार में अभी मैंने सिद्धांत को बताया है, अब मैं अगले चरण में आप लोगों के समक्ष आपको लेकर आऊंगा कि अलंकार के भेद कितने हैं, किसने कितने भेद माने हैं और किस भेद के अंतर्गत कौन सा आता है, और उनकी व्यावहारिक परिभाषा और उनके शब्द और अर्थ को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद मित्रों।